दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग रिव्यूज एंड क्यूज में। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और एक और लेटेस्ट वैकेंसी के साथ एक बार फिर से आ गए हैं। दोस्तों, यहां पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ को, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, ताकि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेडी स्टडी IQ। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट वीडियोस मेडिसिन से रिलेटेड आपको हम डालते हैं। यहाँ इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड वीडियो डाला गया है, दवा यानी कि जो मेडिसिन से, उनमें IP, BP और USB का क्या मतलब होता है यहाँ पर लिखा गया है। IV कैनुला का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी होने वाली है वो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान पंचकुला से है, यानी कि NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला से वैकेंसी है, जो कि वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से है, यानी कि वैकेंसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, 20/8/2022 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर ग्रुप सी नॉन टेक्निक नॉन टीचिंग पोजीशन ऑन रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पर नर्स फीमेल की यहाँ पोस्ट होने वाली है, जिसमें लेवल 4 रहेगा आपका, पोस्ट मात्र यहाँ पर जो है 1 रहने वाली है नर्स फीमेल की। टोटल पोस्ट यहाँ पर 11 निकाली गई है, जिसमें दोस्तों अलग अलग सभी की पोस्ट होने वाली है। हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे नर्स ए की और या फीमेल नर्स की। तो यहाँ BSc नर्सिंग मांगा गया है, BSc नर्सिंग जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास हो, रजिस्टर्ड नर्स हो, आपका रजिस्ट्रेशन मांगा गया है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। यहाँ पर GNM वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है, वो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मांगा गया है दोस्तों स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, साथ में यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि GNM वाले कैंडिडेट्स के लिए है, और 6 मंथ यानी कि हाफ ईयर 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि BSc वाले कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पर दोस्तों ये दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट आपके लिए, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और GNM BSc वाले दोनों कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लाइब्रेरी असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है, लेब असिस्टेंट की भी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है, जिसमें DMLT मांगा गया है। और दोस्तों, यहाँ आपके लिए परमानेंट वैकेंसी है, एज लिमिट यहाँ पर मात्र 27 ईयर्स दी गई है, यानी कि 27 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम अपर एज लिमिट यहाँ पर NIFT एम्प्लॉयज़ में भी रिलैक्स्ड अप टू 5 ईयर्स। यदि NIFT में आपने पहले से काम किया है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। ST, OBC सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर 500 आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है और 90 रुपये आपके जो है प्रोसेसिंग चार्ज है, यानी कि 590 आपकी टोटल फ़ीस रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा NIFT जनरल अकाउंट पेबल एट पंचकुला। तो पंचकुला के नाम से आपको जो है अकाउंट के नाम से आपको ड्राफ्ट बनवाना होगा DD। इसके बाद दोस्तों, एप्लीकेशन मस्ट बी राइट हिज या हर नेम, अपना नाम जरूर लिखें, एड्रेस लिखें, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के बैक साइड लिखना होगा, ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको ये सब लिखना होगा, और उसको आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इनक्लोज जरूर कर दें। इसके बाद दोस्तों, आपको जो है फीस का रिफंडेशन नहीं होने वाला है किसी भी कंडीशन में। अप्लाई कैसे करना है, अब आपको अप्लाई के लिए दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म जो है
आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फुल फिलअप करना होगा, जैसे कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हो वो सारी भरकर आपको यहाँ पर भेजनी होगी। द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT कैंपस सेक्टर 23 पंचकुला। तो यहाँ पर ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको जो है सेंड करना होगा। ऊपर इनवलॉप पे लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको जो है अप्लाई करना होगा 19/9/2022 के पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुँच जाना चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको जो है अप्लाई कर देना है, जो कि ऑफलाइन प्रोसेस है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है पूरा। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका वॉक-इन इंटरव्यू या फिर रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है, दोनों का यहाँ पर लिखा गया है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हमने आपको इस वीडियो में शेयर करी है, तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर 2.7K सब्सक्राइबर हैं। और दोस्तों यहाँ पर यदि आपको इनकेस यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो सभी वीडियो की अपडेट हम इस चैनल पर डालते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सभी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी लेटेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं जिपमर से नोटिफिकेशन आया है जो कि हमने डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम डालते हैं, साथ में कभी कभी क्यूज के क्वेश्चन भी डालते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।